चंबा की ग्राम पंचायत जडेरा और चंबी के पंचायत प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि मंडल क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक चंबा सदर पवन नैयर से मिला। इस दौरान उनके द्वारा प्राथमिकता के आधार पर गांव केगा, धार, मंडोलू, कोणी, दिवेही के लिए मोटर योग्य सड़क बनाने, जडेरा और चंबी पंचायत में मोबाइल सिग्नल और इंटरनेट की सुविधा न होने को लेकर क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने, पंचायत की पुरानी पेयजल योजनाओं का नवीनीकरण जैसी मांगों को उठाया गया। इस दौरान प्रधान जडेरा विजय कुमार, प्रधान चंबी इब्राहिम के साथ पंचायत के लोग भी मौजूद रहे। अपनी मांगों के बारे जानकारी देते हुए जडेरा पंचायत के प्रधान विजय कुमार ने कहा कि उनका प्रयास है कि विधायक प्रशासन और सरकार के सहयोग से इन दोनों पंचायतों का विकास हो, जिसके लिए उनके द्वारा इन दोनों पंचायतों से जुड़ी विभिन्न मांगों से विधायक और प्रशासन को अवगत करवाया गया है और उन्हें विधायक ने यह आश्वासन भी दिया है कि वह उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई करवाएंगे। मैं विजय कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत जडेरा। आज ग्राम पंचायत जडेरा और ग्राम पंचायत चंबी का एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल माननीय विधायक पवन नैयर जी से मिलने के लिए आया हुआ है। दोनों पंचायत, ग्राम पंचायत चंबी और ग्राम पंचायत जडेरा की अनेक समस्याएं हैं, तो इसमें सर्वप्रथम हमारे लिए जो जडेरा पंचायत है, गाँव केगा है, मोहाल केगा है, उसके लिए रोड की समस्या है, जिस बारे में हमने माननीय विधायक जी से अनुरोध किया है। और उसी तरह ग्राम पंचायत चंबी, जिसका चुंगा और थनोटी का रोड के काम शुरू हुआ था, बीच में कुछ अड़चने आई हुई हैं, उस बारे में भी हम मिले हैं। और उस रोड को धार तक ले जाना है और जहां सिल्ला घराट और सुनोथा के लिए रोड बना है, तो चलाड़ू से मंडोलू के लिए रोड की मांग हमने की है। दूसरी तरफ सुंगल कलोता रोड है, उसको आगे कोणीबी तक ले जाने के लिए भी हमने मांग की है। एक एम्बुलेंस रोड है हमारा चंबी से बुझारा, उसके लिए भी हमने संयुक्त रूप से जो है मांग की है विधायक महोदय से। और बहुत सारी हमारी जो पानी की योजनाएं हैं, बहुत पुरानी योजनाएं हैं, जिसमें कई जगह पाइपें सड़ चुकी हैं, कई जगह सोर्स टैंक टूट चुके हैं और अधिकतर जो स्टोर टैंक है उसमें कई जगह तो उसके ऊपर ढक्कन इत्यादि भी नहीं है, प्लास्टर निकल चुके हैं, पानी वहाँ से लीक होता है। तो दोनों पंचायतों की संयुक्त हमने एक मांग रखी है कि इन दोनों पंचायतों में जो पानी की जितनी भी योजनाएं हैं, जो पुरानी हैं, उनका नवीनीकरण किया जाए। और उसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं जो नई बननी हैं, उसके लिए भी हमने मांग की है। और एक हमारा जो है धार हाई स्कूल जो इन्होंने घोषित करवाया था, एक केगा हाई स्कूल, तो उसके भवन निर्माण के लिए भी हमने मांग की है कि उसके भवन निर्माण के लिए जो है उपयुक्त धनराशि जो उपलब्ध करवाई जाए। बाकी हमारा ये सभी का प्रयास रहेगा, क्योंकि जो प्रधान या पंचायत प्रतिनिधि होते हैं वो किसी पार्टी से नहीं होते हैं, तो हमारा ये मानना है कि जो भी जनता की डिमांड आती है, वार्ड मेंबर के माध्यम से उप प्रधान है, उप प्रधान के माध्यम से प्रधान तक आती है, और प्रधान का ये दायित्व बनता है कि उस मांग को सरकार तक, स्थानीय विधायक तक ले जाए, प्रशासन तक ले जाए और प्रशासन के माध्यम से उस मांग को करवाया जाए। और जब ये मांग पूरी होती है तो उसका लाभ जो है जमीनी स्तर पर मिलता है। तो हम इसके साथ ही विधायक महोदय का भी धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें संयुक्त रूप से आज इस मिलने के लिए हमें समय दिया और बड़े आराम से इन्होंने हमारी सब समस्याओं को सुना है। और हमने इनसे ये भी मांग की है जो सिल्ला घराट रोड जिसका अब खुला किया जा रहा है, इसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। ग्रजण में एक पुल का निर्माण हो चुका है, उस पुल के उद्घाटन के लिए भी हमने आग्रह किया कि जल्द करवाया जाए। और इन्हीं बातों के साथ हम आश्वस्त हैं कि विधायक महोदय ने ये कहा कि हम इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाने का प्रयास करेंगे।